ऑल राइट आप लोग तो पोलार ऐप यूज़ करते हो एंड पोलार ऐप के अंदर आप लोगों को पता है क्यूआर कोड के मदद से वन क्लिक में एडिटिंग होता है। लेकिन गाइस बहुत सारे कमेंट आया कि भाई कैसे क्यूआर कोड क्रिएट करे, यानी कैसे बनाए क्यूआर कोड, ठीक है, अपनी फोटो का। गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे क्यूआर कोड को बना पाओगे, वो भी पोलार एप्लीकेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, सबसे पहले पोलार एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एडजस्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस यहाँ पर कलर को आप लोगों को एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो आप लोग लाइट को एडजस्ट कर लीजिए। एक फोटो के अंदर लाइट को एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए गाइस आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से लाइट को एडजस्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर मेरे फोटो के मुताबिक से कर रहा हूँ। मैं हाईलाइट को माइनस की तरफ, शेडो को हाई, व्हाइट को माइनस की तरफ, ब्लैक को हाई, ठीक है। और उसके बाद गाइस मैं चला जाऊँगा HSL टूल्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस सबसे पहले ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके मैं सेचुरेशन को माइनस की तरफ करूँगा एंड लुमिनेशन को हाई, ठीक है। फेस गोरा हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ करना है, ठीक है, जब तक ऑरेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, सॉरी, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को ह्यू को माइनस की तरफ करना है एंड ऑरेंज टोन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को सेचुरेशन को हाई कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद गाइस आप लोगों को एक्वा कलर को सिलेक्ट करके जो सेचुरेशन है इसको फुल्ली माइनस कर देना है, ठीक है, और ह्यू को भी माइनस की तरफ कर देना है। गाइस फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का कलर आ जाएगा, यानी आप लोग देख सकते हो नॉर्मल रिटचिंग हो चुका है। अब आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को माइनस की तरफ करना है और जो सेचुरेशन है इसको भी माइनस की तरफ कर देना है। और उसके बाद गाइस आप लोगों को इफेक्ट पर जाना है और यहाँ से गाइस थोड़ा सा हाई कर देना है इस ऑप्शन को और डिटेल्स को भी हाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद विग्नेट को माइनस की तरफ करना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट करना है। तो आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को पहला जो ऑप्शन मिलता है इसको आप लोगों को हाई करना है, ठीक है। और उसके बाद जो टिल्ट है इसको माइनस की तरफ या प्लस की तरफ आप लोग कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैं माइनस की तरफ करूँगा एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को राइट क्लिक करना है एंड आप लोग देख सकते हो नॉर्मल रिटचिंग हो चुका है फोटो के अंदर, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊँगा ये जो सेटिंग आप लोग किया इसका क्यूआर कोड आप लोग कैसे बना पाओगे, ठीक है। सो क्यूआर कोड को बनाने के लिए आप लोगों को स्टाइलिश पर टैप करना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर क्रिएट स्टाइलिश पर टैप करना है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा एंड आपका नेट कनेक्शन ऑन रखना एंड ऑन रखने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर जो क्यूआर कोड है वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर आप लोग कोई सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सो जो भी नाम देना चाहते हो आप लोग, मैं जैसे कि दे रहा हूँ JR एडिटिंग जोन एंड आप लोग दे सकते हो एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को सेव पर टैप करके सेव कर लेना है। गाइस इस क्यूआर कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग जाकर बहुत ही इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड करो एंड आपका जो नेट कनेक्शन है जरूर ऑन रखना होगा एंड नेट का जो स्पीड है वो भी ऑन रखना होगा, ठीक, स्पीड है वो भी होना जरूरी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।